आज हम मेकर्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हैं। तो आप होम टैब में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, क्लिप आर्ट के इसमें ऑप्शन में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास इधर राइट पे जो है वो क्लिप आर्ट का एक टैब खुल जाएगा, ठीक है। आप इसमें मैंने लिखा कि मुझे इमोजीज चाहिए, ठीक है, इमोजी चाहिए, मैंने इसे गो कर दिया। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट होगा, ठीक है, ये स्टॉप हो गया, सर्चिंग हो रही है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपके पास आया। अच्छा, ये सर्च आप इसने कर दिया। सर्च करने के बाद अभी ये लोड हो रही है पिक्चर्स। अब आपको सर्च इन में जाके उसके सारे कलेक्शन चाहिए या माय कलेक्शन चाहिए या ऑफिस कलेक्शन या वेब कलेक्शन, आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी फाइल जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी लोड नहीं हो रही इस चीज़ की। अच्छा, लोड हो गई, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मैंने ये वाला स्माइली वाला इमोजी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मैंने ये वाला इमोजी सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करना चाहती हूँ, मैंने इसे थोड़ा रिसाइज कर लिया, ठीक है। ये आहिस्ता हो रहा है, मैं चाह रही हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो इस तरफ आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मेटिंग में सिखाया था, ठीक है, मैं चाह रही हूँ क्लिप आर्ट। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर नेट मेरा गड़बड़ चल रही है वेबसाइट, ठीक है, तो माजरत। अच्छा, वापस कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये इमोजी सेलेक्ट करा, मैंने इसे यहाँ पे शट डाउन किया, से थोड़ा मतलब शट डाउन बोल रही हूँ, मैंने इसे थोड़ा रिसाइज किया, इसकी पोजीशन को मैंने इधर सेलेक्ट किया। अब मैं इसे कहीं भी ले जा सकती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, और उसके बाद मैंने इसको क्लिप आर्ट के ऑप्शन को बंद कर दिया। इस तरह मैं कोई भी एक कार्ड चाहूँ, मैं कह रही हूँ मुझे बुक की पिक्चर चाहिए, तो ये बुक की पिक्चर आ जाएंगी यहाँ पर। मैंने कहा बुक की पिक्चर्स आ गई, मैंने कहा मुझे ये वाली किताब की पिक्चर चाहिए, तो अब ये यहाँ पे अपेयर हो जाएगी स्क्रीन पे। यहाँ पे लोड हो रहा है अभी थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप कोई भी पिक्चर जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने स्माइली की है, तो आप ये यहाँ पे आप बुक की पिक्चर्स चाहे अपलोड कर लें, या आप कोई किसी तरह की भी पिक्चर्स अपडेट कर सकते हैं, और अच्छे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो बुक की भी यहाँ से मैं सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक की पिक्चर आ गई, किताब आ गई आपके पास, फिर आप उसे रिसाइज कर लें, जैसी मर्जी चाहे आपकी आप वैसे कर सकते हैं। अप टू यू, पोजीशन अभी घूमेगी नहीं जब तक आप इसकी पोजीशन को सेट नहीं कर लेंगे। तो ये इस तरीके से पिक्चर्स आ गई हैं आपकी क्लिप आर्ट के जरिए। आप चाहें तो और भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं इसके जरिए। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।